उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले उमेश 27 महीनों के बाद पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद वतन वापस लौट आए हैं। बताया जा रहा है रोजी रोटी की तलाश में वो गुजरात गए थे, जहां वो मछलियां पकड़ने का काम करते थे। लेकिन 2 साल पहले मछलियां पकड़ने के दौरान उनकी बोट खराब हो गई और बोट बहते हुए पाकिस्तान की सीमा पर चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने उमेश सहित 6 मछुआरों को पकड़कर जेल में डाल दिया था। बता दें, भारत सरकार इन मछुआरों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही थी। 3 जून को पाकिस्तानी सैनिकों ने 200 मछुआरों को बाघा बॉर्डर के पास BSF को सौंपा, जिसके बाद उमेश भी अपने घर लौट आए हैं। ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरगाहपुर निवासी उमेश काफी गरीब है। परिवार के भरण पोषण और रोजी रोटी की तलाश में वो गुजरात कमाने गए थे। उमेश ने बताया कि सभी लोगों को पुलिस कस्टडी में ले जाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ के बाद मलीर जेल में भेज दिया गया था। ये वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल भरा रहा। उमेश ने कहा, परिवार की याद में समय गुजरने के दौरान उनको यकीन नहीं था कि कभी हम परिवार के बीच पहुंचेंगे। पाकिस्तानी जेल में डर के साए में जीवन कट रहा था, न खाने का भरोसा था न ही जीने का, हमेशा परिवार की याद सता रही थी। मच्छी मारने गया था गुजरात में, मच्छी का काम करता था। मच्छी मारते मारते हमारा मतलब हम समुद्र में मालूम नहीं पड़ा, बॉर्डर तक पहुंच गए तो हमारा मशीन ख़राब हो गया था, तो हमारा जो नाव था वो बहते बहते चला गया पाकिस्तान के पानी में, तो वहाँ पे हमको नेवी वालों ने पकड़ कर ले गए पाकिस्तान जेल कराची में ले गए। अब वहाँ पे सर हम तो 27 महीना बंद थे, और उसके बाद में खाने पीने का कोई मतलब जीने के लिए खाना देते थे, और उसके बाद अभी हम 27 महीने बाद तब यहाँ छूट कर आया। व्यवहार तो वहाँ पे अच्छा था, ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन यही है जो वहाँ पे रखते थे ना, बहुत अंदर मतलब जो रूम था बहुत ख़राब था, और जो अलग दूसरे कैदी रहते थे उनको पूरा बढ़िया से व्यवस्था देते थे, क्योंकि वो लोग पैसा देते थे और हम लोग तो कोई वो नहीं था, तो हम लोग को ऐसे उसमें सुलाते थे कंक्रीटों में। बता दें, भारत सरकार की पहल से 3 जून को पाकिस्तानी सैनिकों ने 200 मछुआरों को बाघा बॉर्डर पर BSF को सुपुर्द किया, जिसके बाद उमेश जब घर पहुंचे तो परिवार को देखकर आंखों से आंसू छलक पड़े। घर पहुंचते ही परिवार के लोगों ने उन्हें गले लगाकर भारत सरकार के प्रयास की सराहना की। उमेश वतन वापसी के बाद बेहद खुश हैं। हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए महाराजगंज से संवाददाता ओंकार शुक्ला की रिपोर्ट। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अहम और जानकारी भरी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।